So hey guys, what's up? Welcome back to our YouTube channel Infinity Riders and here we're back with another crazy video. And this video mein aapko batane wale ki cheapest stunt bike kaise banaya jata hai. So my name is Sheikh Wazidali and if you guys are new to our channel, jaldi aake subscribe karo with the bell icon. Hum log million pahunchne hi wale, we are so close to million. Agar aap logon ne Instagram mein follow nahi kiya to jaldi aake follow kar lena. Wazidam D freestyle kahin pe bhi aata hoga. So without wasting any further time, let's get into the video. पहला बात आपको ये जानना पड़ेगा कि MTB स्टंट राइडिंग के लिए कोई रेडीमेड साइकिल्स नहीं आता है. सो फॉर दैट रीजन हम लोग को एक अपने से मॉडिफाई करके एक साइकिल बनाना पड़ेगा. सो इसीलिए हम लोग का मेन जो फोकस रहता है एक स्टंट बाइक बनाने के लिए वो की है हम लोग का फ्रेम. सिर्फ फ्रेम्स तो मार्केट में मिलता नहीं है, तो आपको एक चीपेस्ट बाइक खरीद के ही उसी को अच्छे से मॉडिफाई करना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ बाइक्स इन द मार्केट राइट नाउ जिसको आप मॉडिफाई अच्छे से कर सकते हैं. अगर आप लोग मार्केट में साइकिल खरीदने जा रहे हैं ना, गियर वाला साइकिल लेना सबसे बेस्ट होगा. गियर वाला के साथ साथ मेन आपको देखना है फ्रेम का साइज 13.5, 14, 15 या फिर मैक्सिमम 16. वो फ्रेम साइजेस में आपको बाइक खरीदना पड़ेगा अपना, क्योंकि उससे ऊंचा अगर हो जाएगा देन आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज नहीं कर पाएंगे. प्रीवियसली मेरे पास 16 इंचेस का फ्रेम था 2016 में, 15 में, 14 में. आप लोग हाई साइज फ्रेम के साथ आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, बट एट दी एंड आपको स्विच करना पड़ेगा अगर आपको अच्छे से कंटिन्यू करना है लो साइज फ्रेम पे. बहुत जन हमको पूछता है कि 10,000 में साइकिल कौन सा बेस्ट है, 15,000 में साइकिल कौन सा बेस्ट है. सो इंडिया में स्टंट बाइक बनाने के लिए आपको मिनिमम बजट रखना पड़ेगा 20,000 to 30,000 रुपीज. अभी मार्केट में बहुत सारा बाइक आ चुका है जिसको आप खरीद के मॉडिफाई कर सकते हैं. नॉट ओनली फायरफॉक्स वाइपर, आप कुछ भी बाइक खरीदिए आपको देखना है कि व्हील साइज 26 होना चाहिए. सो जो बाइक्स अभी मार्केट में आ चुका है जिसको आप अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो बाइक्स का डिटेल आपको स्क्रीन में दिखता होगा. मार्केट में हमको यही सब बाइक्स अच्छा मिला है. अगर आप लोगों के पास साइकिल है उसी को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. नया से साइकिल खरीदना पड़ेगा ऐसा कोई बात नहीं है, बट एक चीज आपको याद रखना है कि उसमें ब्रेक्स अच्छा रहना चाहिए. ये वीडियो पे हम यही बताने वाले हैं कि एक स्टंट बाइक में क्या क्या चीज होने से आप लोग के लिए बेहतर होगा. सो वीडियो पूरा अंत तक देखना और अच्छे से समझना. अगर आप नया साइकिल खरीद रहे उसमें अच्छा फॉर्क लगा हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फॉर्क चेंज करने का जरूरत नहीं है. बट फॉर्क में ये देखना पावर ब्रेक वी ब्रेक सिस्टम दिया हुआ है कि नहीं, हाइड्रोलिक ब्रेक लगाने का सिस्टम दिया गया कि नहीं. आपका अगर बजट हाई है देन आप XCM, XCT, हाइड्रोलिक फॉर्क्स आप देख के साइकिल खरीद सकते हैं. अगर आप चीप में खरीदना चाहे तो आप पावर ब्रेक वाला सिस्टम खरीद सकते हैं. अगर आप वाइपर खरीदने जा रहे हैं फायरफॉक्स वाइपर, उसका आपको फॉर्क चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो वाला फॉर्क जो है बहुत भारी है. अभी नेक्स्ट चलते हैं ब्रेक्स. अगर आप वी ब्रेक्स लगा रहे हैं देन आपको प्रोमैक्स वी ब्रेक्स लगाना बेटर है. लोकल कंपनी का जो वी ब्रेक्स आता है वो बहुत घटिया होता है, बहुत जल्दी टेढ़ा हो जाता है, सही से सेट नहीं होता है. उसके साथ साथ जो ब्रेक शू आता है 10 रुपए 15 रुपए वाला ब्रेक शू मत लगाइए, बहुत जल्दी खराब हो जाता है, टूट के लोहा निकल के आपका रिम भी खराब कर देगा. तो आप वो वाला यूज मत कीजिए. थोड़ा हाई एंड ब्रेक शूज आता है वो वाला यूज कर सकते हैं जिसका 100 या 150 रुपए दाम होगा पर पैर का. बट अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स पे जाना चाहते हैं देन सबसे चीपेस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक आपको MT 200 मिल जाएगा मार्केट में शिमानो का, वो आप लगा सकते हैं. RT 56 रोटर के साथ आता होगा, आप वो वाला खरीद के लगा सकते हैं. तो जब आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स के लिए रोटर लगाने जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा साइजेस में, बट आई वुड रिकमेंड स्टार्टिंग विद 160mm शिमानो रोटर्स. उसके बाद आस्ते आस्ते आप जब स्किल्स अपग्रेड करेंगे तो 180, 203mm रोटर्स में अपग्रेड कर सकते हैं. ब्रेक पैड्स ऑलवेज यूज शिमानो रेजिन पैड्स. मेटालिक पैड्स आई वुड नॉट रिकमेंड क्योंकि मेटालिक पैड्स लगाने से ब्रेक्स आवाज करता है, सही से पकड़ता भी नहीं है. आई विल नॉट रिकमेंड मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स. मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आर नॉट गुड फॉर स्टंट राइडिंग. मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स ऐसा है कि आप अभी अगर यहाँ पे ब्रेक मारेंगे तो 1 किलोमीटर बाद जाके रुकेगा. मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. आप विली मारते मारते आप ब्रेक मारेंगे, ब्रेक पकड़ा ही नहीं आप पलटा जाएंगे. हम खुद मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स पहले यूज करके हम स्टंट राइडिंग सीखे हैं. 5 साल पहले बहुत अच्छा मैकेनिकल डिस्क ब्रेक्स आता था जूम का, अभी तो वैसा नहीं मिलता नहीं. अभी सब पैसा बचाने के लिए आलछाल बाल ब्रेक्स बना देता है. और एक ब्रेक्स आता है जो ड्रम ब्रेक, स्टंट राइडिंग के लिए एकदम ही नॉट रिकमेंडेड. नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे जो कि है हैंडल बार. हम रिकमेंड करेंगे आपको राइजर हैंडल बार लेना. 680mm to 760mm का हैंडल बार अगर आपको मार्केट में मिल रहा है आप खरीद लीजिए, आपका बजट अनुसार आपको मिल जाएगा मार्केट पे कोई भी वेबसाइट पे. नेक्स्ट आते हैं स्टेम पे. वीक स्टेम आपको मिल जाएगा मार्केट पे, अमेजन में ही मिल जाएगा. अगर आपको पास ये वाला स्टेम लगा हुआ है ये भी अच्छा है, ये भी स्टेम आप यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग. उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टायर्स पे. स्टंट राइडिंग के लिए मैक्सिस हुकवर्म्स आर द बेस्ट टायर्स, बट अभी मैक्सिस हुकवर्म्स आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया, मिल रहा नहीं है कहीं पे. बेसिक स्टंट सीखने के लिए आप कोई भी टायर जो लगा हुआ है आप वो वाला टायर यूज कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. नेक्स्ट चलते हैं रिम्स पे. अगर आप नया बाइक खरीदेंगे तो उसमें अच्छा रिम दिया हुआ रहता है. ये पहले से डबल वॉल का अलॉय रिम, डबल वॉल का अलॉय रिम आता है मार्केट से, आप वो वाला खरीद के भी लगा सकते हैं. बट उसके साथ साथ आपको अच्छा स्पोक्स भी लगाना पड़ेगा जो कि अच्छा चलेगा. आप लोकल स्पोक्स भी लगा सकते हैं बट आपको अच्छे से बिनना पड़ेगा, अच्छे से ट्रू करना पड़ेगा आपको व्हील को. नेक्स्ट चलते हैं हब पे. अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगाने का सोच रहे हैं देन क्वांडो का हब अच्छा रहेगा, बट अगर आप हाइड्रोलिक ब्रेक्स नहीं लगाएंगे आपका पावर ब्रेक से चलाना है कोई भी अच्छा ड्यूरेबल हब आप लगा के यूज कर सकते हैं. नया साइकिल में तो अच्छा हब लगा हुआ रहता है तो आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है. अब चलते हैं गियर सिस्टम्स पे. अगर आप लोग नया साइकिल लिए होंगे हरक्यूलस से या फिर 91 साइकिल से या फिर फायरफॉक्स बाइक, उस पे पहले से ही शिमानो का प्रोडक्ट्स लगा हुआ रहता है, तो क्रैंक सेट शिमानो, फ्री व्हील शिमानो, चेन भी अच्छा रहता है, तो वो सब आपको चेंज करने का एकदम जरूरत नहीं है. अगर आप खरीदना चाहते हैं मार्केट में जाके वो भी आप खरीद सकते हैं. आप शिमानो का चेन भी लगा सकते हैं, नहीं तो वैनम का चेन भी आता है वो भी लगा सकते हैं. क्रैंक सेट जो आता है 3 स्पीड का आता है, बट आपको एक्चुअली फर्स्ट एंड सेकंड स्पीड ही चाहिए होगा. तो थर्ड वाला जो सबसे बड़ा वाला आता है वो वाला आप काट के अलग कर सकते हैं तो साइकिल हल्का हो जाएगा. स्टंट बाइक बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको स्टंट बाइक जितना हल्का हो सके आपको उतना हल्का करना पड़ेगा. अगर आपका नया साइकिल में स्टैंड आ रहा है लगा हुआ, वो वाला स्टैंड को हटा दीजिए खोल के, जितना हल्का होगा उतना ईजी होगा आपका स्टंट करने में. सो अभी चलते हैं ट्यूब्स पे. ट्यूब जो आप यूज कर सकते हैं, रालसन का ट्यूब आता है, मैक्सिस का भी ट्यूब
जाता है, तो वो सब आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं शिफ्टर पे। जैसे अगर पावर ब्रेक यूज कीजिएगा तो शिफ्टर तो पहला बात बिलीवर के साथ ही आता है, बट अगर आपका हाइड्रोलिक ब्रेक्स लगाना है तो आपको शिफ्टर भी चेंज करना पड़ेगा। अल्टस का आता है, शिमानो का शिफ्टर भी आता है, पेडल्स भी मार्केट पे बहुत सारा अवेलेबल है। अच्छा बजट पे ग्रिपी पेडल्स आप लगा लेंगे आपके लिए अच्छा है। बहुत सारा पार्ट्स का वेबसाइट पे मिलेगा, सबका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट चलते हैं ग्रिप्स पे। ये सब ग्रिप्स आपको अमेज़न पे मिल जाएगा, लॉक ऑन ग्रिप्स, वो सब आप यूज कर सकते हैं, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं पेग्स पे। एल्युमिनियम पेग्स आप खरीदने के लिए ये नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, विपुल वो बनाता है। अगर आपको कोई भी लोहा का पेग्स मिल रहा है मार्केट पे, आप वो वाले खरीद के भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं ड्यूरेलर पे। ये वाला जो ड्यूरेलर आपको स्क्रीन पे दिखता होगा, ये वाला ड्यूरेलर चीप में आपको मार्केट में मिल जाएगा। शिमानो का टर्नी ड्यूरेलर भी बहुत सारा आता है, चीप में आपको वो भी मार्केट में मिल जाएगा। सामने का चेंजर लगाने के लिए आप शिमानो का चेंजर भी लगा सकते हैं, सामने टर्नी का आता है। अभी नेक्स्ट चलते हैं एक्सेल पे। बहुत सारा जो आप नया बाइक्स खरीदेंगे उसमें क्विक रिलीज दिया रहता है, क्विक रिलीज इज कन्वर्टेबल। क्विक रिलीज खोल के आप 9mm का जो एक्सेल मार्केट पे आता है वो वाला लगा सकते हैं, उसका नाम है भोगल एक्सेल, वो वाला लंबा होता है ताकि आप उसमें पेग्स भी लगा सके। जो लोग एक्चुअली नया साइकिल खरीद के मॉडिफाई करेगा वो लोग के लिए ज्यादा झंझट नहीं है, बट अगर आप क्रैच से बिल्ड करेंगे देन थोड़ा बहुत आपको झंझट है। उसके बाद आप जो वायर्स, जो गियर वायर्स हो या फिर ब्रेक वायर्स हो, आप कौन सा यूज करना बेटर होगा, जैगवायर का वायर्स आता है, आप वो यूज कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत बेटर होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं सीट पे। सीट के बारे में डिटेल्ड एक वीडियो लाने वाले, तो आप वो वीडियो अच्छे से देखना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फिनिटी राइडर्स। अगर आप चाहते हैं कि स्टंट बाइक बनाए, आपका दोस्त बनाए या फिर कोई भी बनाए, जाके वीडियो शेयर कीजिए लोगों के साथ। एंड गाइज QR कोड के लिए हम बोले थे, ये QR कोड यहाँ पे आता होगा, आप जितना भी अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं फॉर द राइडर्स आप वो चीज कर सकते हैं। वो QR कोड से जो भी अमाउंट उठेगा हम वो वाला पैसा से गिव अवे करने वाले हैं। QR कोड यहाँ पे स्कैन करके आप पे कर सकते हैं, 10 rupees हो, 20 rupees हो, 50 rupees हो, 100 rupees हो, 200 हो, आप जो डोनेट कीजिएगा उसमें से आप भी हो सकते हैं विनर। बहुत लोग होते हैं कि बहुत सारा सामान खरीद नहीं पाते, कोई भी चीज जानना चाहते हो आप जाके कमेंट कर सकते हैं, हम लोग सबको कमेंट में रिप्लाई करते हैं। एंड अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेश्चन पूछना है आप जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, वहां से देम फ्री स्टाइल कहीं पे भी आता होगा। तो गाइस आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, पीस एंड आउट।